जल्दी से बता दें, खेरसौन इलाके से आ रही है सुमैरा। रूस का भीषण हमला यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि इस इलाके में रूसी सैनिकों ने अटैक किया है और रूसी हमले में दो लोगों की जान चली गई है। देखिए, रूस का जो अटैक है वो भी हम आपको बता रहे हैं और यूक्रेन का जो पलटवार है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन भी उतने ही हद से रिटेलिएट कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खेरसौन इलाके से। वीडियो देखिए किस तरह धमाकेदार अटैक किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर कि रूसी हमले पर यूक्रेन ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। अगर रूस हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन का दावा है कि 10 एयर स्ट्राइक में रूस को भारी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया उससे रूस को काफी नुकसान होने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक की और रूस को नुकसान पहुंचाया। हमारे साथ बिशंबर दयाल भी मौजूद हैं। बिशंबर दयाल जी, आप इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे उस मुद्दे पर कि रूस में क्या जबरदस्ती भी लोगों को भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में सैनिक चाहिए अगर वो लॉन्ग वॉर के लिए इसमें शामिल हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि रशिया में कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम है। रशिया के हर नौजवान को 2 साल के लिए भर्ती किया जाता है और उसमें कुछ नौजवान, ये मैंडेटरी है, और उसमें कुछ नौजवान उस टाइम पर भर्ती ना हो के अपना एकेडमिक करियर परस्यू करना चाहते हैं फर्दर, तो ये उस देश की, ये उसका ढांचा है। तो उसमें अगर 2 ऐसे 4 केसेस कुछ हुए होंगे तो वो वेस्ट ने पकड़ के उसको बड़ा चढ़ा दिया। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रशिया को, और ये हमें भी सोचना चाहिए कि जो कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम है, जो अग्निवीर सिस्टम है, ये लड़ाई के टाइम देश की सेना को कमजोर करते हैं। अगर आज रशिया को किसी चीज की जरूरत है तो बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। प्रोफेसर अमिताभ से लास्ट कमेंट। अगर हिस्टोरिकली देखें तो रूस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें एक ना एक एडल्ट मेल मरा नहीं हो, और इसका इम्पोर्टेंस इससे भी समझा जा सकता है कि कॉन्स्क्रिप्शन जो है उसमें इनग्रेंड है। हर घर में हर मेल को ये ट्रेन किया जाता है कि आपको वॉर लड़ना होगा। वहाँ की सोसाइटी फीमेल सेंट्रिक क्यों हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जितने भी मेजर हाउस होल्ड थे वहाँ औरतें चलाती थी। माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे पास। लेकिन ये जो बड़ी कवरेज है TV9 भारतवर्ष की, ये लगातार जारी है, आज भी कल भी, क्योंकि ये वो समय है तब जबकि एक साल पूरा हो रहा है और दुनिया के सामने बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं इस युद्ध की वजह से, जिनका विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।